पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में रैचेट बम्बलबी के वॉइस बॉक्स को हुआ क्या था? पता नहीं कैसे वो मेगाट्रॉन के हाथ लग गया और उसने उससे पूछताछ की। बम्बलबी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। एक डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहा। उस डॉक्टर को लगा कि वो और बेहतर कर सकता था। यकीन नहीं होता, बम्बलबी का टी कॉक खराब नहीं, वो गायब है। क्या वो होता है टी बोन की तरह? वो एक ऑर्गन है जिसकी मदद से हम स्कैन और ट्रांसफॉर्म होते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? साथ मिलकर काम करना है, इसलिए। एक टीकॉक टेक्नोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी है। हमारे पास दो और कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनकी जानकारी ओरायन पैक्स ने जाने से पहले दी थी। देखते हैं इन दो जगहों से हमारे हाथ कौन सी नायाब चीजें लगने वाली है। तुम्हारी सोच को क्या जंग लग गया है? तुम जानते थे कि वहां दुश्मन का पीछा करना पड़ सकता है और बम्बल भी कार नहीं बन सकता। उसने कार उधार ली थी। हे, बी को होश आ रहा है। तुम पहले ही अपना वॉइस बॉक्स और टी कॉक खो चुके हो। उससे दिल नहीं भरा जो स्पार्क भी खोना चाहते हो? ऐसा मत कहो बम्बल भी, तुम बेकार नहीं हो। देखो, मुझे भी बम्बलबी की चिंता है, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के हाथ आयोकॉन का एक नया हथियार लग गया है जो खतरनाक हो सकता है। बीते वक्त की तारीफ करने से या दोष देने से वो बदलेगा नहीं। कोशिश करो कि आइंदा कोई भी बेवजह खतरा ना मोल ले। बम्बलबी, तुम बेस से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ टीकॉक मिल नहीं जाता। बम्बलबी का परेशान होना जायज है, लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि उसे पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है। एक ट्रांसप्लांट, लेकिन उसके लिए एक डोनर भी चाहिए। कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, डोनर तुम्हारे सामने है। तुम्हारा दिल काफी बड़ा है, लेकिन इस समाधान से हम एक ऑटोबॉट को ठीक करके दूसरे को अपाहिज बना देंगे। मैं टीकॉक उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना बम्बलबी करता है। ट्रांसफॉर्म होने की काबिलियत मेरे किसी भी काम की नहीं। मैं हर रोज यही बेस में रहता हूँ, जहाँ मेरी सोच और मेरे हाथ ज्यादा अहमियत रखते हैं, मेरे हथियार और व्हील्स नहीं। हमारी टीम एक और योद्धा को खोने का नुकसान नहीं झेल सकती। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीन मानो हम बम्बलबी का टीकॉक वापस ले आएंगे। ऑप्टिमस, मैक दरिंदे हैं। हो सकता है कि वो अब तक उसे पूरी तरह खराब कर चुके हों, या ऐसी हालत हो कि मरम्मत ही ना हो पाए। रैचेट, तुम जो कर सकते थे तुमने किया। प्लीज ये मत समझना कि मैं उसका वॉइस बॉक्स नहीं बचा पाया, इसीलिए उसकी भरपाई कर रहा हूं। मैं वही करना चाहता हूं जो सही हो, बम्बलबी के लिए, हमारी टीम के लिए। तुमने तो कमाल कर दिया नॉकआउट। जानकर खुशी हुई लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन ये करता क्या है? जान गए क्या करता है? मुझे लगा मेरी खुशी खत्म होने वाली है। यही वो जगह है। हाँ, खजाना कैसा लगा साइलस? मैं मेगाट्रॉन को इंसानों से हाथ मिलाने की सलाह देता था। देखो ना, ऑटोबॉट्स कई बार उन्हीं की वजह से एक कदम आगे रहते हैं, पर वो खुद को बहुत बड़ा चालबाज समझते हैं। पर असल में मेगाट्रॉन तुम इंसानों के छोटे दिमाग से भी छोटी सोच रखते हैं, बहुत ही छोटी सोच।
मैं तो बस साइज की बात कर रहा था। क्या तुम कभी चुप नहीं रहते? क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने खुद एक ऑटोबॉट को मारा था? ये है पूरी तरह से शुद्ध एनर्जॉन, जिसे हम ले जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे मांसपेशियों से बने मेरे दोस्त, जिससे हम ताकतवर बन जाएंगे। जाहिर सी बात है कि दूसरा पेशेंट मैं हूंगा, इसलिए मैं सर्जरी नहीं कर सकता। इसलिए तुम में से किसी को यह काम करना पड़ेगा। तुम सिर्फ तोड़फोड़ ही कर सकते हो। आरसी, ऑप्टिमस के हाथ ज्यादा स्थिर हैं। स्थिर और ज्यादा बड़े भी, जिनसे उसे काम करने में दिक्कत होगी। आरसी, तुम ये कर सकती हो, तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली कोई नहीं। सिर्फ मैदानी जंग में, ऑपरेटिंग थिएटर में नहीं। एक ही बात है, सिर्फ अगर छुरी तुम्हारे हाथ में हो, तुम पर नहीं। क्या इसका मतलब अब से बम्बलबी एम्बुलेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ करेगा या चिचड़ा हो जाएगा? ये तो बहुत बुरी बात है। बेहोश कर रही हूँ। तो मेरा शुक्रिया अदा काम पूरा होने के बाद करना। चलो बम्बलबी, तुम्हारी बारी। क्या हो रहा है? रैचेट, चल बसा। बिल्कुल नहीं। एक और आइकॉन का रेडियो डिवाइस। उसका सिग्नल मिलने का मतलब है डिसेप्टिकॉन्स ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निकाला है। ऑटोबॉट्स, चलने के लिए तैयार हो जाओ। यस। हमारे पेशेंट्स को छोड़कर रैचेट पर बेहोशी का असर कम कर दो। ब्रायन, एक जबरदस्त खबर है। ब्रायन कहाँ है? देखो, उससे कहना मुझे सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें मिली हैं, जिनसे हमें मैक के सही ठिकाने का पता चल गया है। क्या मुसीबत है? वहाँ पर कोई है जो सिर्फ टू टू में बात नहीं करता हो? मैं समझाता हूँ। क्या फ्यूजर के वॉइस बॉक्स की मरम्मत करनी है? अब ये फ्यूजर कौन है? वहाँ पर हो क्या रहा है? हाय, बेंटोर से पूछ लो। मैंने उस टैंक की वो हालत कर दी कि टीन का डिब्बा बन गया। लेकिन बी, ऑप्टिमस ने तुम्हें बेस पर रहने को कहा था। कोऑर्डिनेट्स भेज दीजिए एजेंट फाउलर, हम उन्हें ऑप्टिमस तक पहुंचा देंगे। ये क्या बात हुई? मेगाट्रॉन ने हमसे इतनी मेहनत करवाई, वो भी सिर्फ एक और हथौड़ा हासिल करने के लिए। वो हथौड़ा तेरा असली प्राइम्स की एक पवित्र निशानी है। सच में? लेकिन डिसेप्टिकॉन के बनाए हथियार जितना खतरनाक नहीं होगा ना? लगता है कि खतरे को टालने के लिए हासिल किए डिसेप्टिकॉन के हथियारों के साथ आयकॉन की तिजोरी में पड़ी हर एक अहम चीज को अलग अलग दुनिया में छुपा दिया गया था, और ये वाला तो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। इसे सोलस प्राइम का फोर्ज कहते हैं। इसमें बसी रहस्यमयी शक्तियां किसी भी चीज को मैकेनिज्म बना सकती हैं। आपका मतलब इसकी मदद से हम जैसा चाहें वैसा हथियार बना सकते हैं? या मुमकिन है कि बम्बल बी के लिए एक नया टी कॉग बना पाए।
एनाजॉन को डालो। काम कर रहा है एनाजॉन, इससे हमारी बनाई फौज सब पर भारी पड़ेगी। तुम्हारी बनाई फौज, देखा जाए तो कुछ ही देर में हम एक चमत्कार होता देखेंगे। टीकॉक के बिना ये निहत्ता है। चलो अब उठाओ इसे। ऑटोबॉट्स, मारना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। हमारा ठिकाना और आविष्कार दोनों खतरे में हैं। घुसपैठिए को मार दो, टीकॉक को लेकर मुझे पहाड़ी पर मिलो। मैं तुम्हारा भाड़ी का टट्टू नहीं हूँ, मैं एक कमांडर हूँ। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पुर्जा गया। रैचेट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। असल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। प्राइम, क्या बात है एजेंट फाउलर? क्या प्राइम कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गया? कोऑर्डिनेट्स? मैक के ठिकाने का मैंने आधे घंटे पहले भेजे थे। फिक्र मत कीजिए एजेंट फाउलर, कोई उनसे निपटने गया है। ऑप्टिमस को कुछ रिसेप्टिकॉन्स को रोकने जाना पड़ा तो उनके बजाय बम्बल भी चला गया। क्या? बम्बल भी क्यों चला गया? सर्जरी के बाद हालत नाजुक होती है। वो अलग बात है। वरना क्या करोगे? शूट करोगे? अफसोस, ट्रांसफॉर्म ना होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है। अब कभी भी तेज रफ्तार का मजा नहीं ले पाओगे। एक ऑटोबॉट होते हुए हारना तो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है। उसे तो उड़ा दिया, अब मैं भी उड़ता हूं।
मेरा टीकॉग? हाँ वो, बदकिस्मती से वो घमासान लड़ाई के दौरान बर्बाद हो गया, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सभी ऑटोबॉट्स में टीकॉग्स हैं, हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक और ढूंढ निकालेंगे। जल्द ही नहीं, वो मुझे चाहिए अभी। वक्त की करवट किसी पर भी भारी पड़ सकती है। कल हीरो में दम था और आज विलन ज्यादा दमदार है। मेरा बालक ज्यादा बड़ा है। Bulkhead! Nine, nine, nine. Primes की निशानी वो भी अर्थ पर? Decepticon के इतने काम आने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ Orion Pax का। मैं ठीक हूँ। ऑप्टिमस, एजेंट फॉलर को किसी तरह मेक के ठिकाने का पता चल गया है। बम्बल भी वहां पहुंच चुका है। ये क्या? मेरा टीकॉग, रैचेट, ब्रिज को दोबारा शुरू करो और सर्जरी की तैयारी करो। मेरी वजह से फौज मेगाट्रॉन के हाथ लग गया। अगर वो हमारे हाथ लग गया होता तो बेशक हमारे बहुत काम आता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेगाट्रॉन के भी कुछ काम नहीं आएगा। देखने से तो ये कोई बड़ा धमाका करने वाला हथियार नहीं लगता। मेरा शक सही था, इसे काम करने के लिए प्राइम्स की ताकत चाहिए। ये फोर्ज हमारे लिए एक बेकार औजार है, इसके बावजूद हमें इसे हर हाल में प्राइम की पहुंच से दूर रखना होगा। जो कर सकता था वो मैंने किया। हमारे जाबाज को तुम ही ठीक कर सकते थे मेरे दोस्त। तो प्लान में बदलाव कब आया? रैचेट ने अपना कॉग डोनेट क्यों नहीं किया? बम्बलबी को ये मंजूर नहीं था। बम्बलबी आराम से।
तबीयत सुधरने में वक्त लगता है। कॉक की हालत बहुत खराब थी। और जरूरत से ज्यादा तेज मत चलाना। बी के टी कॉक को देखकर लगा था कि वो कबाड़ बन चुका है। पता नहीं डॉक्टर ने उसे कैसे ठीक कर दिया। रैचेट ने आज सिर्फ उसे ही ठीक नहीं किया। प्राइम, तुम सब तबाही रोकने के लिए हो या मचाने के लिए? तुमने वादा किया था कि कोई भारी नुकसान होने नहीं दोगे। मैं माफी चाहता हूँ एजेंट फाउलर, लेकिन हम सब यहीं पर मौजूद हैं। तुम देख सकते हो। फिर ये बताओ कि यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर ओमाहा के पास दो बड़े ऑटोबॉट्स लड़ते हुए नुकसान क्यों कर रहे हैं? शायद डिसेप्टिकॉन्स हो। आजकल डिसेप्टिकॉन्स आपस में लड़ने लगे हैं, शायद वो भी मेगाट्रॉन से तंग आ चुके हैं। अभी दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, ये देखो। मैं ये नहीं मान सकता कि स्काई क्वेक वापस आ गया है। तुमने और ऑप्टिमस ने उसे दफन कर दिया था, लेकिन स्टारस्क्रीम ने उसे फिर से जिंदा करके टेरिकॉन बनाने की कोशिश की थी। तो अब सवाल ये है कि उसके साथ लड़ कौन रहा है? यकीन नहीं होता, ये तो हम में से ही कोई एक है। व्हील जैक, जैक लौट आया। मुझे किसी के लौटने या जाने से कोई वास्ता नहीं। किसी भी तरह उनको रोको इससे पहले कि ये हादसा सुर्खियां बन जाए। तुम अब बच नहीं पाओगे डिसेप्टिकॉन। मैं स्पेशल एजेंट फाउलर हूँ और तुम वो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मुझे पता था मेरे दोस्त जरूर आएंगे। इससे काम बन जाएगा। फिर से मेरी कॉपी की। भाग कहां रहे हो? व्हील जैक, जैकी नहीं। ड्रेडविंग ने इस जगह बॉम्ब लगाए थे। ड्रेडविंग ने? उस जगह को उसके बॉम्ब ने नहीं, तुमने उड़ाया। उसे गैस स्टेशन कहते हैं, एक तरह का ना जॉन डेपो। एक चिंगारी भी उसे ब्लास्ट कर सकती है। उस कौन को मुझे रोकना है? व्हील जैक, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जब तक हम इस दुनिया में हैं, तुम वही करोगे जो हम सबके लिए सही है।
जरा प्यार से मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? हिलना बंद करोगे तो नहीं टूटेगा। देखिए कमांडर, उस नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ड्रेडविंग का पीछा सैकड़ों सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगा था तुम गैलेक्सी में घूमते हुए बचे हुए ऑटोबॉट्स ढूंढ रहे थे। हाँ, और वहाँ मुझे एक रैकर मिला था। कौन? सी स्प्रे। तो कैसा है अपना पुराना दोस्त? बिल्कुल ठीक नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। क्या? नहीं। ड्रेडविंग, मेरी शिप जैक हैमर को सी स्प्रे का सिग्नल कई सालों पहले डैरन से मिला था। मैंने उसे कांटेक्ट करके ट्रामेडॉन सिस्टम में मिलने का फैसला किया, लेकिन शायद ड्रेडविंग ने हमारा ट्रांसमिशन सुन लिया, इसलिए वो सी स्प्रे तक पहले पहुंच गया। वो बॉम्ब हम दोनों के लिए लगाया गया था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैक हैमर उस धमाके को सह पाया। मुझे ड्रेडविंग का सुराग मिला और कई सोलर सिस्टम्स तलाशने के बाद वो आखिरकार मुझे मिल ही गया। उसका पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। अजीब इत्तेफाक है ना? मैं ड्रेडविंग को जानता हूं, वो शिकारी आर्माडा का कैप्टन था और अपने जुड़वा भाई स्काईक्वेक की तरह ही वो डिसेप्टिकॉन का वफादार भी था। बेशक ड्रेडविंग पृथ्वी पर अपने असली मालिक मेगाट्रॉन की सेवा करने आया होगा। चाहे किसी के लिए भी आया हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। व्हील जैक, इस प्लैनेट पर करोड़ों लोग रहते हैं। डिसेप्टिकॉन पर हमला करने से पहले उसके असर को एक टीम की तरह नापना होगा, ताकि इंसानी आबादी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मैं क्या करूं, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी वजह से आज हमारा राज खुल जाता। कैसा राज? हम बेस बदल कर बाहर जाते हैं, तुम्हें भी बाहर जाने के लिए अर्थ की व्हीकल में बदलना होगा। जिस स्पेसशिप को तुमने यहाँ गिराया वो अर्थ की नहीं थी। पता है मुझे उसे वहाँ से हटाने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ी? तुम्हें अपने इस ऑटोबॉट की लगाम खींचनी होगी प्राइम। लगाम खींचनी होगी? कान खोल कर सुन लो मोटू। जैकी, देखो मैं ऑप्टिमस प्राइम के लिए काम नहीं करता। मैं उससे बात करता हूँ, आपकी इजाजत है? इजाजत है। इस नए ऑटोबॉट में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। व्हील जैक और बल्कहेड रैकर्स के लिए काम करते थे, एक ऐसा कॉम्बैट यूनिट जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता था। ब्लैक ऑप्स। जिन मिशन से सब डरते थे उन पर ये जाते थे, और उनमें से कई तो लौट कर भी नहीं आए। मेगाट्रॉन, आपका गुलाम हाजिर है। उठो ड्रेडविंग, तुम गुलाम नहीं वफादारी की मिसाल हो। वफादारी मेरी रगों में दौड़ती है, पर मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है। ओ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? हम दोनों में एक ही स्पार्क के दो टुकड़े थे। हमारे पुर्जे अलग थे पर उनमें जान एक ही थी। गैलेक्सी के उस पार रहते हुए भी मुझे उसके दोबारा उठने और उसके स्पार्क के बुझने का एहसास हो गया था। ये सच है कि ऑटोबॉट्स ने स्काईक्वेक को जान से मार दिया, लेकिन उस वक्त मैं खुद होश में नहीं था। मैं इसी वक्त कसम खाता हूं कि इसकी कीमत हर एक ऑटोबॉट को चुकानी होगी। ऑटोबॉट्स को उनके किए की कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन कब और कैसे ये मैं तुम्हें बताऊंगा।
लेकिन मास्टर, जरूरी मुद्दों से हटने पर हमें कामयाबी देर से मिलेगी। इस बात को तुम भी समझते हो ड्रेडविंग? अब तुम मेरे हुक्म पर चलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे। जैकी, अगर इंसानों की बात ना भी हो तो भी हम यूं ही डिसेप्टिकॉन्स पर हमला नहीं कर सकते। हमारी संख्या कम है। रोडबस्टर, पायरो, इंपैक्टर, रोटोस्टॉर्म, सी स्प्रे सब मिट गए। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। रेकर्स हो या ऑटोबॉट्स, हमारी तादाद दिन पर दिन कम हो रही है, लेकिन ऑप्टिमस का साथ देने पर हम इस जंग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ऑप्टिमस जैसे शख्स बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागते हैं। रुको रुको रुको, मैं ऑप्टिमस को तुमसे बेहतर जानता हूँ। मेरे लिए रेकर होना ही सब कुछ था, लेकिन बाद में सब बदल गया क्योंकि प्राइम ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। ब्ला ब्ला ब्ला। व्हीलजैक, जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो। मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या ये ड्रेडविंग है? मुझे इन कोऑर्डिनेट्स पर मिलो, अगर दम है तो। तुम्हारा दम निकालने के लिए तो मैं जरूर पहुँचूंगा। जैकी, ये उसकी चाल है। जानता हूँ, लेकिन आज तक ऐसी चालें मुझे रोक नहीं पाई। क्या तुम साथ चलोगे? कम से कम बैकअप को तो बुलाने दो। तुम जानते हो रैकर्स को बैकअप की नहीं बल्कि क्लीन अप की जरूरत पड़ती है। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है। यही है तुम्हारी चाल? अगर तुम यहां से उड़ने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। बल्कहेड, बल्कहेड का सिग्नल यहाँ से हजारों मील दूर है और मुझे लगता है कि व्हीलजैक उसी के साथ है। क्या तुमने उनसे कांटेक्ट किया? कोई जवाब नहीं मिला। इतनी देर कहाँ लग गई बल्कहेड? कहीं प्राइम के साथ रहकर तुम भी ढीले तो नहीं पड़ गए? तुम मेरी बात ना मानो ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे किसी ऑटोबॉट की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। बुरा मत मानिएगा सर, बल्कहेड खतरे से वाकिफ था। हर रैकर होता है। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं होगा। ऑप्टिमस, बल्कहेड का सिग्नल तुम्हारी जगह से आगे बढ़ गया है। आप साथ चलेंगे? तुम और बल्कहेड काफी पुराने दोस्त हो, लेकिन फिर भी तुम अकेले काम करना चाहते हो। रेकर्स तो कब के बिखर गए थे सर, और वैसे भी अकेले काम करने में उलझने कम होती हैं।
यहाँ पर काफी आबादी है, जरा ध्यान रखना। फ्यूल पंप्स को चिंगारी भी उड़ा सकती है, वो ज्यादा दूर नहीं है। हे दोस्तों, नई चाल। इस बार तो तुमने मुसीबत को सीने से लगा रखा है मेरे दोस्त। पीछे हट जाओ जैकी। काम शुरू करते हैं। क्या पहले कभी इसे डिफ्यूज किया है? ट्रिगर नहीं है, नकली वायर्स, झूठे बटन। काफी बढ़िया बॉम्ब है। ट्रेडविंग, कहां हो तुम? अपने काम को अंजाम दे रहा हूं लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था ना? माफ कर दीजिए मेरे मास्टर, लेकिन मैं ऑप्टिमस प्राइम को मिटाकर आपकी नजरों में ऊंचा उठना चाहता हूँ। ऑप्टिमस को मिटाना इतना आसान नहीं। तुमसे पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश करने वालों से मैंने यही कहा था। जैकी, चले जाओ वरना हम दोनों को क्लीनअप की जरूरत पड़ेगी। मेरा ध्यान मत भटकाओ बल्क। ऑप्टिमस कहाँ है? मैंने कहा था ना, जब जान पर बनाती है तो सबसे पहले जनरल ही भागते हैं। नहीं, ऑप्टिमस ऐसा नहीं है। यकीन मानिए मास्टर, कुछ ही देर में मैं ऑप्टिमस के साथ दो और की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तुम्हारे महरूम जुड़वा भाई की खातिर इस बार तुम्हें इजाजत देता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बार। अगर ड्रेडविंग सही सलामत लौट पाया तो मुझे हैरानी होगी। ये प्राइम कहाँ चला गया? ड्रेडविंग, अगर तुम स्काई क्वेक जैसे ही हो तो तुम्हारे लिए भी वफादारी और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होगा। क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। बस इतना ही कि मेगाट्रॉन के लिए उन चीजों के कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ बर्बादी और मनमानी करना जानता है। लेकिन तुम सही रास्ता चुन सकते हो। बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दो। मैं कहता हूँ चले जाओ। मैंने सैंडकैन पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था, इसलिए यहाँ भी नहीं छोड़ूंगा। देखो, अगर कोई इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है तो वो सिर्फ ड्रेडविंग है। ब्लास्टर की आवाज नजदीक आ रही है, शायद कमांडर। माफ करना जैकी, तुम्हारी भलाई इसी में है। जारी मछलियां। बल्कहेड रुक जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। कम से कम मेरी बात तो सुन लो। तुम सही थे, सिर्फ ट्रेडविंग ही इसे डिफ्यूज कर सकता है, और ऑप्टिमस को यह बात मालूम है। ड्रेडविंग, बॉम्ब डिफ्यूज करो या खुद ही उसके शिकार बन जाओ। अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं कुर्बान होने को तैयार हूं,
तो फिर हम भी अपने भाई जैसे दोस्त के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। वो भी तुम्हारे साथ। हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ठीक है, मुझे लगा ही था कि ब्लू या येलो वायर होगी या फिर रेड। तो अब क्लीनअप के लिए किसे बुलाएं? ऑप्टिमस प्राइम अब भी जिंदा है और तुम भी ड्रेडविंग। तुम इसे अपनी जीत ही समझना क्योंकि स्काई क्वेक को दूसरा मौका नहीं मिला था। मुझसे मेरे भाई की बात मत कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ, सिर्फ आपकी। सुनिए कमांडर, आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थी। शायद आपको समझने में मुझसे भूल हो गई। और तुम्हें भी अपने दोस्तों की परवाह है जबकि तुम उसे खुलकर दिखाने से कतराते हो। वो अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मान जाओ जैकी, अगर तुम चले भी गए फिर भी लौट कर यही आओगे। कितना फ्यूल बर्बाद होगा और एनर्जॉन की काफी कमी है। फिर भी यहाँ जगह की भी कमी है। मैं अपनी आजादी खोने के लिए अब तक तैयार नहीं हूँ। थोड़ा घूम कर देखता हूँ, शायद ये प्लैनेट मुझे रास आ जाए। जैक हैमर काफी अच्छी शिप है लेकिन तुम्हें व्हीकल मोड के लिए अर्थ की कार चुननी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो लॉर्ड मेगाट्रॉन, तो जैसे साउंड वेव आयाकॉन के डेटाबेस के बचे हुए कोड्स को सुलझा लेगा, जो वो जल्दी करने वाला है, वैसे ही आपकी सबसे काबिल चीज को काम मिलाना चाहिए। और वो काबिल चीज क्या है एराकनिड? मेरे तलाशने का जबरदस्त हुनर, जिसकी मदद से मैं बाकी के हथियारों को ढूंढ निकालूंगी। ठीक है, आपको हुनर की असली परख है माय लॉर्ड। साउंड वेव। इसकी वफादारी का कोई सबूत है? हमें मेगाट्रॉन के बिना काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। ड्रेडविंग, आपकी सेवा में हाजिर हूँ लॉर्ड मेगाट्रॉन। मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ जिसे सिर्फ मैं निभा सकता हूँ। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें अपना लेफ्टिनेंट बना दूंगा। लेकिन वो ओहदा तो अराकनिड का है। है नहीं, था ड्रेडविंग। और तुम उसके साथ अकेले मत जाना, वो खतरनाक हो सकती है खासकर कमजोर पड़ने पर।
तुम्हें नहीं लगता कि मेगाट्रॉन आजकल कुछ ज्यादा ही घबराने लगे हैं? मेरा मतलब, एक अनजान एनर्जॉन सिग्नल को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने दो सबसे काबिल योद्धाओं को भेज दिया। मेगाट्रॉन को मेरी और ड्रेड विंग की काबिलियत पर भरोसा है। दरअसल मैं अपनी और ड्रेड विंग की बात कर रही थी। ब्रेकडाउन, मुद्दे से मत भटको, हम दोनों को ये काम मिलकर करना है। बिल्कुल ब्रेकडाउन, तुम जानते हो कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं भी तुम्हें एक आंख नहीं भाती। बस बहुत हो गया, रुको। ब्रेकडाउन, बेवकूफी मत करो, मुझे छुड़ाओ। अब तुम गई। ब्रेकडाउन, बताओ तुम कहां पर हो? ब्रेकडाउन, मैक 1 टू साइलस, हमें कुछ बहुत ही काम की चीज मिली है और वो जानी पहचानी लगती है। मेरे भी कैसे दिन आ गए हैं, एनर्जॉन के टुकड़ों के लिए दर दर भटक रहा हूं। पृथ्वी पर मेरी बात सुनो कीड़े, वो एनर्जॉन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कीड़े होकर मुझे पीठ दिखाते हो? मैं कमांडर स्टार्स क्रीम हूं। ठीक है, रख लो एनर्जॉन, मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। हाँ मेरे गुलाम, मेरे पास आओ, मेरा हुक्म मानो, मेरी पूजा करो। इसकी क्या जरूरत थी? क्या तुमने एक कमांडर की बेइज्जती की और इस डायन की गुलामी कर रहे हो? स्टारस्क्रीम, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं, वैसे भी इस दरिंदे और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ तक कि हमारी फितरत भी एक जैसी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
डिसेप्टिकॉन्स इस्तेमाल किए हुए माइंस में नहीं लौटते। सिर्फ तुम ही एक बागी डिसेप्टिकॉन नहीं जिसे एनर्जॉन की जरूरत है। क्या तुम्हारा ये हाल ऑटोबॉट्स ने किया या मेगाट्रॉन तुम्हें किसी खास मिशन पर ले गया था रैकनेड? मेगाट्रॉन नहीं आए थे, लेकिन जो आया था उसका हाल देखने लायक था। जानती हो रैकनेड, हम एक ही नाव में सवार हैं। हमें पुरानी बातें भूलकर हाथ मिला लेना चाहिए। इस दरिंदे का इस्तेमाल करके हम दोनों इसके जरिए मेगाट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। फिर डिसेप्टिकॉन्स पर हमारा राज होगा। हमारा? बस हमें मेगाट्रॉन को यहाँ लाना होगा, उसके सारे साथियों से दूर, ताकि हम उस पर हावी हो सकें। और वो भाग नहीं पाएगा। अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिताने या मिलकर डिसेप्टिकॉन पर राज करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि मुझे मेगाट्रॉन को मारने की तरकीब पसंद आई, बदले से अच्छी कोई चीज नहीं। तुम्हारे दिल में जो आए वो करो। पहले मैं इस दरिंदे की ताकत का नमूना देखना चाहती हूँ। क्यों ना इसे तुम पर ही आजमाया जाए? क्या हम दोनों तो पार्टनर्स थे ना? टुकड़े कर दो इसके। ये क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसमें एक संदेश भी है। फिर से? स्टारस्क्रीम, मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। साथ में फर्स्ट एड भी लाना। आ जाओ। चलो जल्दी बताओ। मुझे पता चला है कि रैकनेट मेरी तरह बागी बन चुकी है। तो हम क्या करें? वो बहुत जल्द हमला करने वाली है ये इंसानों के ऊपर, पर मैं तुम्हें उसका ठिकाना बता सकता हूँ। मुझे तुम पर यकीन नहीं। ऐसे कैसे नहीं है? मैंने तुम्हें डिसेप्टिकॉन के स्पेस ब्रिज का सही पता बताया था, तभी तुम ऑप्टिमस को बचा पाए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन फिर तुमने मैक के साथ बम्बलबी का टी कॉक चुराया। लेकिन उसे वो वापस मिल गया था, है ना? मैं मानता हूँ कि उन खिलौनों ने इंसानों का साथ देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन मैं अकेला हूँ, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करूंगा ना। पर मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब मेरे पास मेरा अपना टीकॉग नहीं है। तुम्हारा टीकॉग ले गए? इसीलिए तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं, लेकिन रैकनेड और इंसेक्टिकॉन से खतरा है। एक इंसेक्टिकॉन यहाँ? कैसे? मैं उससे ये जरूर पूछता, लेकिन मैं एक पतली सी सुरंग में घुसकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो दरिंदा मुझे चबा ना जाए। और एरैक्निड तमाशा देख रही थी। ब्रेकडाउन के सिग्नल ना मिलने की वजह साफ है कि वो नहीं बचा, लेकिन तुम उसके टूटे पुर्जे क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्या बात है? ब्रेकडाउन की कोई खबर? सिग्नल को ट्रेस करो। मेगाट्रॉन, तुमने इतने ऊंचे ओहदे वाली ऑफिसर को मारने के लिए मामूली चमचे भेजे। मुझे लगा था तुम ये काम खुद करना चाहोगे। क्या ये चुनौती है? नहीं, इनविटेशन है। और अब तक साउंड वेव मेरे सिग्नल ट्रेस कर ही चुका होगा, इसलिए तुम्हें पता देने की जरूरत नहीं। मैं अभी आया। मैं भी साथ चलता हूँ। तुम अपना मौका गवा चुके हो। स्टारस्क्रीम ने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो किसी खाली पड़ी डिसेप्टिकॉन माइन के हैं। एक सेकंड, तुमने फिर से स्टारस्क्रीम का इलाज करके उसे जाने दिया? और क्या करते यहाँ बुलाकर उसकी खातिरदारी? मेरे लिए एरैकनेड से बदला लेने का ये एक अच्छा मौका है, लेकिन वो अकेली नहीं जिसने मेरे पार्टनर को मारा। तुमने उसकी हालत नहीं देखी? स्टारस्क्रीम कमजोर और निहत्था था। और इंसेक्टिकॉन की मौजूदगी का पता चलना हमारे लिए फायदेमंद है।
पहले भी स्टारस्क्रीम की खबर बहुत काम आई थी। वाह, जब चाहे दोस्त बनता है, जब चाहे धोखा देता है। हमारे पास साइबरट्रॉन जैसे साधन मौजूद नहीं हैं, इसीलिए हमारे दुश्मनों को पकड़कर हम कैद नहीं कर सकते। इसके बावजूद किसी भी निहत्ते और कमजोर जीव को मारना मेरे उसूलों के खिलाफ है। वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम्हारे दगाबाजी के दिन पूरे हो चुके हैं। जब तुम दोनों यहां हो तो मेरा क्या काम? मेगाट्रॉन तुम्हारा लीडर है, घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको। तुम और तुम्हारा ये दरिंदा नहीं जानते कि मैंने केओन की गहराइयों से अपना हुनर हासिल किया है। होशियारी से आगे बढ़ना। वो मेगाट्रॉन के बारे में उसने नहीं बताया था। लगता है स्टारस्क्रीम ने यह सारा जाल इसलिए बुना ताकि उसके सारे दुश्मन आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएं। हमारा इस्तेमाल किया। अगर मेगाट्रॉन बचा तो तुम उससे निपट लेना। अरैकनिड मेरी शिकार है। आज का दिन आश्चर्यों से भरा है। जो भी केओन के ग्लैडिएटर के रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा, फिर चाहे वो डिसेप्टिकॉन हो या ऑटोबॉट। इस वक्त मैं नियाता हूं और कमजोर हो चुका हूं।
तो बताओ ऑप्टिमस, तुम मुझे जिंदा कैद करोगे या मुझे यहीं खत्म करोगे? जो ना सोचो वही हो रहा है। अब क्या होगा? गए काम से। आज मैं मेगाट्रॉन को तो खत्म करने में नाकाम रही, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने बिल्कुल सही कहा था रैकनेट, बदले से अच्छी कोई चीज नहीं। मेगाट्रॉन को हमारे साथ भेज दो तो हम किसी को कुछ नहीं करेंगे। इसका भरोसा मत करना, ये झूठ बोल रहा है। ड्रेडविंग, जबान से मुकर तो नहीं जाओगे? ड्रेडविंग ने तुम्हें जबान दी है पर मैंने नहीं। खत्म कर दो इन्हें। मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरे पीछे आए। तुम एक अच्छे लेफ्टिनेंट बनोगे। जबरदस्त लड़ाई हुई। जानती हो मुझे जितनी नफरत आठ पैर वालों से है उतनी ही नफरत दो पहियों वालों से भी है। आगे बढ़ो, ले लो अपना बदला। मुझे याद है जब मेरी हालत तुम्हारी तरह थी तब तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। अब हिसाब बराबर हुआ। आशी, तुम कहां पर हो? मुझे मदद चाहिए, जिंदा हूँ। और रैकनेट भी। कम से कम मेगाट्रॉन ने एक मकौड़े को तो मसल दिया। स्टारस्क्रीम, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। लगता है मेरी फौज जल्द तैयार होगी। अजी सोल्जर, साइड से निकल जाओ बेवकूफ।
ये कोई हादसा नहीं था, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। प्राइम? तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है क्या? गो गो गो! और तेज चलाओ मिको। चलो जैक, कम ऑन। ये क्या? राव तो आगे निकल गया। प्राइम, मुझे सुन सकते हो? मुझे माफ करना एजेंट फाउलर, ऑप्टिमस इस वक्त यहाँ नहीं है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि ऑप्टिमस ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। एजेंट फाउलर, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सकता नहीं, हो रहा है। प्राइम्स भागते नहीं। क्या तुम ठीक हो एजेंट? तुम्हें क्या लगता है? बहुत अच्छे, रोशनी की तरफ देखो। रुको, क्या बेहोश भी रोशनी को देखकर ही हुई थी। आरसी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर ऑप्टिमस नहीं चाहते थे कि मैं ठीक रहूं। देखा, मैंने कहा था ना, नामुमकिन। मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। लेकिन ऑप्टिमस एजेंट फाउलर को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? शायद ऑप्टिमस दोबारा खुद को डिसेप्टिकॉन समझने लगे हो, या अब तक अच्छा रोबोट बनने का नाटक कर रहा है। प्राइम चाहे किसी भी वजह से ये कर रहा हो, पर है तो बड़ी परेशानी की बात। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑप्टिमस का सिग्नल ढूंढता हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारे आस पास भी नहीं था। सच तो ये है कि वो इसी वक्त अंदर आ रहा है।
सब कुछ ठीक तो है ना? हमें बस जानना था आप कहां गए थे। तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं हमारे कम्युनिकेशन रेंज से बाहर था। आराम से। एक सबटेरेनियन एनर्जॉन डिपॉजिट में। गौर से देखो, ये वही हैं। तुम पहचान नहीं पा रहे? हमें माफ कीजिएगा। इनका कसूर नहीं है प्राइम। आज हाईवे पर एक बड़े से ट्रक ने मुझ पर अचानक से हमला किया और वो हूबहू तुम्हारे जैसा दिख रहा था। रुक जाओ। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ट्रक से निकलो वरना हम गोली चला देंगे। ऑप्टिमस प्राइम, ऑटोबॉट्स का लीडर, और ये है मेरा संदेश। फाउलर स्पीकिंग। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो मेरा दिमाग खराब है ना ही मैंने कोई नशा किया है। वो नहीं हो सकता। मिलिट्री बेस पर अचानक हमला हुआ है, ऑप्टिमस प्राइम ने किया है। उस ट्रक ने? नहीं, ऑटोबॉट ने। फायर फायर। देखो, और भी हमलावर आ गए हैं। फायरिंग जारी रखो। ऑटोबॉट्स, वापस बेस पर चलो। हम किसी भी इंसान पर हमला नहीं करेंगे। नहीं जनरल प्राइस, ऑप्टिमस प्राइम ने वहां हमला नहीं किया, क्योंकि जब वो हादसा हुआ प्राइम मेरे साथ था। बिल्कुल सही सर, ऑटोबॉट्स बेस पर आए थे लेकिन पहले हुए हमले को रोकने के लिए। पर सर मैं जी सर, मैं समझता हूं। तो क्या कहा उन्होंने? सभी सोल्जर्स को यह हुक्म दिया गया है कि जहां कहीं भी कोई ऑटोबॉट दिखे उसे मार गिराओ। वो ऐसा नहीं कर सकते। पर इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑप्टिमस को फंसाया गया है। अफसोस की बात है, लेकिन मिलिट्री का ऑर्डर हमें रोक नहीं सकता। वो बहरूपिया इंसानों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। 30 फुट का ट्रांसफॉर्म होने वाला बहरूपिया। वो कामयाब हो ही गए। वो दरिंदे आखिर उस कोड को समझ ही गए। मैक,
सर, क्या उसके इस्तेमाल से कोई परेशानी हुई? टेलीप्रेजेंस इंटरफेस ने बेहतरीन काम किया है, व्हीकल और रोबोट दोनों मोड में। मैक ब्रेकडाउन को उठा ले गए थे और लगता है कि उन्होंने उसके हर एक पुर्जे को खोलकर अच्छे से समझा है। मैं उसका गवाह हूँ। और हमें यह भी पता चला है कि उनके पास स्टार स्क्रीम का टीकॉक भी है, जिसे उन्होंने आपके बहरूपी रोबो में लगा डाला और ट्रांसफॉर्म होने के लिए तुम्हारी जैसी व्हीकल का ही स्कैन किया, फिर उसे एनर्जॉन से भर दिया और लो बन गया पापी ऑप्टिमस प्राइम। तो उन्हें रोकी कैसे? वो फिर से कहीं भी हमला कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, भले ही मैक हमारी बायोलॉजी समझ गए हों, लेकिन वो हमारे टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाएंगे। बिना ग्राउंड ब्रिज के बहरूपीय प्राइम को कहीं भी पहुंचने के लिए व्हीकल मोड में ही जाना होगा। मुमकिन है कि मैक का बेस दोनों घटना वाली जगहों के करीब ही हो। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो चलकर मैक के साइंस प्रोजेक्ट का सत्यानाश कर दें। एजेंट फाउलर, बेहतर होगा कि तुम अपने आप को मैक के रोबोट के सामने लाने का जोखिम ना उठाओ। तो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम किसी भी मिलिट्री सोल्जर के सामने जाने का जोखिम ना उठाओ। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी हम व्हीकल मोड से नहीं निकलेंगे एजेंट फाउलर। यहां पर सिर्फ सूखी झाड़ियां हैं और यहां सिर्फ चट्टाने। बम्बलबी, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना, चप्पा चप्पा छान मारना, हम तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स पर ही मिलेंगे। ऑटोबॉट्स का जवाब नहीं, लेकिन मैं भी उनसे कुछ कम नहीं। बम्बलबे, चौकन्ने रहना, मेरा बहरूपिया कहीं भी हो सकता है। माफ करना, मैं समझा नहीं। बम्बलबे, क्या तुम सुन रहे हो? तैयार हो जाए और मुझ जैसी दिखने वाली हर चीज से बचकर रहना। अगर मुझे उस रोबो को कंट्रोल करने वाले रिमोट की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो मैं बता पाऊंगा कि वो उसे कहां से चला रहे हैं। रिमोट मतलब? तुम्हें क्या लगा मैक ने असली ऑटोनोमस रोबो बनाया है? वो रिमोट से चलने वाला रोबो है। मुझे लगा था साइलस उसमें बैठकर उसे चला रहा है, क्योंकि जब उसे बल्क हेड का पंच पड़ता है तो डिशुम। आहा, मुझे फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो जल्दी से ब्रिज को खोलो। एजेंट फाउलर, ऑप्टिमस ने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा था, याद है? इसी में तुम्हारी भलाई है। देखो रैचेट, मैं किसी भी ऑटोबॉट से लड़ने नहीं जा रहा, लेकिन इस सब के पीछे एक इंसान का हाथ है। और शायद तुम नहीं जानते कि मैं एक हाईली ट्रेन्ड गवर्नमेंट ग्रेड का इंसान हूँ। हाँ, और साइलस ने इन्हें मारने की कोशिश की थी।
बदला तो बनता है। ऑप्टिमस प्राइम, फिर मुलाकात हो गई। तुम्हारा षड्यंत्र खत्म हुआ साइलेंस। ओ अच्छा, फ्लाइट स्कूल में जो नाश्ता किया था लगता है सब बाहर आ जाएगा। एजेंट पाउलर, फ्रीक्वेंसी वहां से नॉर्थ की तरफ 100 मीटर की दूरी से ट्रांसमिट हो रही है। समझ गया। मेरे रोबोट में भी तुम्हारी ही जितनी ताकत, रफ्तार और बारूद है। और हमारी कॉम्बैट ट्रेनिंग की वजह से मैक ने इंसान और मशीन का एक बेहतरीन मेल बना डाला है। लेकिन तुम में और मुझ में एक अहम फर्क है, मुझे दर्द महसूस नहीं होता। ये तो बस शुरुआत है। सोचो मेरी ट्रांसफॉर्म होने वाली रोबोट्स की फौज कैसी होगी। कोई भी मैक के सामने आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मैं करूंगा साइलस। एजेंट फाउलर, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। मैं तुम्हारा ये खेल खत्म करने आया हूं। एक्स मिलिट्री स्पेशल टैक्टिक्स। और तुम आर्मी रेंजर्स। लेकिन तुम में अब वो बात नहीं। शेप में नहीं हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए काफी है। मुझे बस तुम्हारा ध्यान प्राइम से हटाना था। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। एजेंट फाउलर, मिलिट्री के लोग आ गए हैं। तुम्हें बेस पर लौट जाना चाहिए प्राइम, उन्हें मैं समझा दूंगा। तो हूबहू ऑप्टिमस जैसे दिखने वाले रोबोट के हाथों मार खाने पर तुम्हें कैसा लगा? मैं उस मंजर को भुला नहीं सकती। सवाल यह है कि अपने लीडर को खोने के बाद भी मैक अपना अधूरा काम जारी रखेगी या नहीं। एक बुरी खबर है, हमने सारे मलबे को हटाकर पूरी जगह को छान मारा लेकिन साइलस का नामो निशान तक नहीं मिला। उनके अंदरूनी हिस्सों को बहुत गहरी चोट पहुंची है और उनका इलाज करना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन हमारे लीडर की किस्मत अच्छी है कि मैक कभी हार नहीं मानता।